हेलो एवरीवन, आईवी टीवी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 2 यानी कि जो कंसंट्रेटेड सोलर पावर पे चल रहा था यूनिट, इस यूनिट के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि इसके लास्ट यूनिट में ही इस यूनिट के लास्ट टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है मेंटेनेंस। यानी कि किसी भी इक्विपमेंट्स को अगर प्रॉपर ढंग से ऑपरेट करना है, लंबे समय तक ऑपरेट करना है, हाई एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना है, यानी कि उसका जो ऑपरेटिंग कैपेसिटीज है वो लो ना हो, डाउन ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते रहना होता है, उसको हमें समय समय पर मेंटेनेंस करते रहना होता है। घर में आप फैन ही चलाते होंगे अगर, तो उस फैन को समय समय पर मेंटेनेंस करके रखते हैं। कभी भी घर में कोई भी ऑपरेट, घर में तो बहुत ही कम, इंडस्ट्री में जो भी ऑपरेट्स चलते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल चीज़ें चलती हैं, चाहे या मान लेते हैं कहीं स्टीम पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, वहाँ टाइम टाइम पर समय समय पर क्या करते रहना होता है, पावर को, उसको जो इक्विपमेंट्स है उसको सही ढंग से चलाने के लिए, हाई एफिशिएंसी चलाने के लिए वहाँ पर हमको उसको मेंटेनेंस करते रहना होता है। यानी कि यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे सीएसपी में, यानी कि जो कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट हम लोग जो पढ़ रहे थे, अलग अलग तरह का पढ़े थे, कनेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग तरह का सीएसपी यूज किए थे कि पावर टावर क्या था, सोलर शॉट क्या था, फेसनल क्या था, अलग अलग तरह की सोलर डिस्क क्या था, सॉरी पैराबोलिक डिस्क क्या था, उसके बारे में हमने समझा था। यानी कि सभी में एक बात कॉमन था कि वहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता था, वहाँ पर एक रिसीवर होता था, एब्जॉर्बर होता था, रिसीव करता था, वहाँ पर फ्लूइड फ्लो करते थे, सभी चीज़ में कॉमन था। तब हम क्या पढ़ेंगे कि सीएसपी के मेंटेनेंस के बारे में, क्या कि हम उसको मेंटेन क्या क्या, उसके कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जिसको मेंटेन करके रखें, दूसरा क्या चीज़ कैसे मेंटेन करें। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हम सीएसपी लगाए हैं, यानी कि कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट लगाए हैं, यानी कि जहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग लगा दिए पैराबोलिक डिस वाला ही लगा दिए, या मान लेते हैं पैराबोलिक शॉट लगाए हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे कि उसको मेंटेन क्या क्या करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, नीचे एक होता था रिफ्लेक्टर, जो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप वीडियो पर उसको देख लीजिए, जल्दी से क्लियर कर लीजिए उसको, उसके बाद देखेंगे यहाँ क्या कि वहाँ होता था सबसे पहले रिफ्लेक्टर पैराबोलिक शेप का होता था, किसी में पैराबोलिक, किसी पैराबोलिक लीनियर पैराबोलिक होता था, किसी में स्फेरिकल पैराबोलिक होता था, किसी में क्या होता था प्लेन मिरर होता था, यानी कि वहाँ एक रिफ्लेक्टर होता था। तो वहाँ मेंटेनेंस करने के लिए क्या करते रहना होता है, हमेशा जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं उसको हमेशा ड्राई कपड़ा से, छोटा कपड़ा से क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हमेशा साफ करते रहते हैं, ताकि जो लाइट आए वो प्रॉपरली ढंग से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर जैसे कि घर में ऐनक ही रखते हैं, ऐनक शीशा, उसमें या ऐनक जो जिसमें दर्पण जो होता है, मिरर रखते हैं, तो रख देते हैं कहीं एक दिन तक, देखिए उसमें धूलकण जमा हो जाता है, तो सही ढंग से हमको चेहरा दिखाई नहीं दे पाता, मतलब कि सही ढंग से रिफ्लेक्शन नहीं होता है सीधा। वही बात है क्या चीज़ कि अगर पावर प्लांट में अगर ऐसा काम कर रहे हैं पावर प्लांट में, तो वहाँ भी क्या होगा, धूलकण जमा ही होगा, धूलकण जो भी आता है उस पर जमा होगा, जैसे क्या रिफ्लेक्ट सही ढंग से नहीं होगा, उसको समय समय पे क्या करते रहना होता है, पोछना पड़ता है। दूसरा होता है कैची, समय समय पे एक टाइम होने के बाद उसको धोना भी पड़ता है। जैसे कि घर में आप देखेंगे हमेशा झाड़ू लगाते हैं, पट झाड़ू लगाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है देखते हैं ज़्यादा गंदा हो गया तो क्या करते हैं, पानी से ही धो देते हैं। वहाँ भी क्या करते हैं, जो धोते वहाँ भी क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं उसको भी धो देते हैं। वहाँ धोने के लिए क्या यूज करते हैं, डीआयोनाइज्ड वाटर यूज करते हैं। डीआयोनाइज्ड वाटर मतलब क्या हो गया कि वैसा वाटर जो जिसमें आयोनाइजेशन नहीं हो, मतलब कि आयंस नहीं हो, जो हम लोग वाटर पीते हैं ना उसका उसमें आयंस होते हैं, देखिए उसमें करेंट फ्लो हो जाता है, प्योर वाटर में नहीं होता है ऐसा। प्योर वाटर क्या होता है, इसे मानते प्योर वाटर से ही उसको धो देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ब्रश के साथ उसको अच्छा से धो देते हैं। तीसरा होता है क्या चीज़ कि जो रिफ्लेक्टर होता है उसको मेंटेनेंस करके रखना है, तो हमेशा देखते हैं कि उसका जो इंक्लाइनेशन है सन के साथ सही ढंग से बन रहा है या नहीं बन रहा है, यानी कि सन उधर है और इंक्लाइन इधर हुए हुए हैं, तो ये गलत है। इसीलिए क्या करना होता है कि हमेशा उसको चेक करके रखना पड़ता है कि सन के साथ इंक्लाइनेशन सही बना रहा है या नहीं बना रहा है। ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं कि सन को साथ में ऐसे ट्रैक करते हैं, तो सन को साथ में ट्रैक करने का मतलब है वो ट्रैकिंग सिस्टम को भी समय समय पर चेक करते रहेंगे कि आखिर उसका ट्रैकिंग मैकेनिक सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ट्रैकिंग सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज कि जो फ्लूइड पास कर रहा था, वो फ्लूइड जिस चीज़ से पास कर रहा है, मान लीजिए ट्यूब से पास कर रहा था, तो ट्यूब से क्या हो, लीक ना हो, ये नहीं कि ट्यूब पास कर रहा है और लीक हो रहा है, गिरते जा रहा कहीं थोड़ा सा, तो ये क्या है, सही नहीं है, वो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉसेज हो रहे हैं, ट्यूब सही से काम करना चाहिए। ट्यूब को क्या करते थे, कहीं कहीं ब्लैक कर देते थे, तो क्या होता है कि समय समय पर पेंट छूटने लगता है, तो उसको फिर से अच्छा से ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। फिर और मेंटेनेंस में क्या करते हैं कि चेक करते रहते हैं कि ट्यूब वाटर टाइट है या नहीं है, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि पानी डाल रहे हैं तो पानी अंदर चला जा रहा है, क्योंकि मान लेते पानी बार बरसात हो रहा है, पानी अंदर चला जा रहा है, तो वाटर टाइट चेक करते हैं कि वाटर टाइट है या नहीं है।
एयर टाइट है कि नहीं है, यानी कि एयर अंदर चला जा रहा है एयर बाहर आ जा रहा है, मतलब कि वो सारा का सारा उस पर देखेंगे कहीं क्लोजन तो नहीं हो गया, कहीं जंग तो नहीं ना लग गया, ऐसा प्रोसेस वहाँ देखते जाते हैं। यानी कि इसका मेंटेनेंस में इसी चीज़ को देखना है कि आखिर जो हम लोग वहाँ इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको फ्रिक्वेंटली वर्क करवाने के लिए ये सारा का सारा मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। दूसरा हमको मेंटेनेंस पढ़ना है किस चीज़ के बारे में, स्टर्लिंग इंजन के बारे में। स्टर्लिंग इंजन आप देखे थे क्या करता था, टेम्परेचर डिफरेंस में काम करता था, वो हीट एनर्जी की थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता था। चलिए अब उसका मेंटेनेंस जब करता है तो मेंटेनेंस में कैसे करते थे वो हम समझते हैं कि मेंटेनेंस में क्या करते हैं, जो डिस्प्लेशर होता है डिस्प्लेशर को निकालते हैं और उसको समय समय पर क्या करते हैं अच्छा से साफ करते हैं। दूसरा होता है वो जो सिलेंडर हम लोग यूज किए थे उस सिलेंडर को भी हम क्या करते हैं समय समय पर अच्छा से ड्राई है सूखा हुआ कपड़ा से क्या करते हैं अच्छा से साफ करते हैं। तीसरा में क्या कहते हैं जो पिस्टन होता था उस पिस्टन को भी अच्छा से साफ करते हैं और देखते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीस चौथा बात देखेंगे क्या चीज़ हम जानते थे उसमें क्या बताए थे, जो गैसेज होते थे अंदर वो सील्ड होते थे एकदम पैक होता था, तो ये भी देखते हैं क्या चीज़ कि अगर गैस सील्ड प्रूफ है कि नहीं, यानी ये नहीं हो रहा है कि गैस बाहर निकल रहा है अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं प्रोसेस होना चाहिए, यानी गैस क्या होना चाहिए फुली तरीके से पैक होना चाहिए। ठीक है ये चेक करते थे। तीसरा चेक करते थे भील को घूमना था, जो भील घूम रहा था उसमें समय समय पे क्या करते हैं लुब्रिकेशन देते हैं ताकि सही ढंग से क्या कर सके घूम सके। फिर चार क्या चेकिंग करते हैं कि जो ये होता है जो शाफ्ट है हम लोग क्या किए थे 90 डिग्री का फेज एंगल दिए थे शाफ्ट के बीच में, वो भी देखते जाते हैं कि कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया, कहीं इंक्लाइनेशन ज़्यादा कम नहीं हो गया ना, ऐसा चीज़ हम वहाँ क्या करते हैं प्रॉपरली समय समय पर उसको भी चेक करते जाते हैं, यानी कि ये सारा मेंटेनेंस हम लोग यहाँ करते हैं ताकि स्टर्लिंग इंजन भी सही ढंग से काम कर सके। ये था आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक और आपका एक टॉपिक यानी कि आपका ये यूनिट यहाँ पर ही खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट के बारे में, सोलर पीवी सिस्टम। क्या है सोलर पीवी सिस्टम वो आगे का यूनिट में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।